हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी काउंसलिंग पर एक न एक बादल संकट का मंडराता रहता है, तो एक और आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंसलिंग में देरी होगी। पहले आपने देखा था कि जो नया सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली नया सॉफ्टवेयर जो लेके आए थे यूजर फ्रेंडली, उसकी वजह से लेट हो रहा था। अब इसके साथ ही एक नया पिच और आ गया है। यहाँ पर एनसीटीई को पत्र भेजकर विश्वविद्यालय ने पूछा हुआ है कि जो 10% कोटा आरक्षण सामान्य वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं, मतलब कह सकते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले, उनका क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पर आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अब इसकी स्थिति जब तक साफ नहीं होगी तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकती, और इसकी आज स्थिति साफ होने के बाद भी आप इसमें समय लगेगा, कम से कम मान लेते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मीन्स अभी स्थिति साफ नहीं हुई है तो 3 दिन तो ये मान के चलिए। और अब मैं ये बता दूं कि जो आपका जो रिजल्ट इसकी काउंसलिंग होगी वो अगले सप्ते में चली जाएगी। मीन्स अब ये काउंसलिंग 10 से 15 के बीच में होने के चांसेस हैं, और अगर इसमें और ज़्यादा लेट जवाब में जवाब आने में और ज़्यादा टाइम लगा तो इसके काउंसलिंग में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग जिन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर पाए हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो हमारे इस चैनल के वीडियो में पड़ा हुआ है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो मैंडेटरी हैं आवश्यक हैं वो भी बता दिए हैं, और जो मैंडेटरी नहीं है मतलब जो एडमिशन के टाइम आपको जरूरत पड़ेगी वो भी मैंने अलग अलग कैटेगरी में बता दिया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे समझना होगा मेन चीज है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे देखिए जो विश्वविद्यालय है उसने अभी एक न्यूज निकाली हुई है और अखबार वालों को संवाददाताओं को बताया हुआ है कि जो यहाँ पर एनसीटीई है, एनसीटीई ये आप देख रहे होंगे, एनसीटीई को पत्र भेजा गया है। पूरा मैटर आप पढ़ सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। बस यहाँ पर देखो कहाँ से जो मेन क्या है इसमें बता देते हैं। तो एनटीवी को पत्र भेजकर जवाब मांगा है कि जो 10% आरक्षण है उसकी स्थिति साफ की जाए कि उसको उनको 10% आरक्षण देना है या अभी नहीं देना है। उसके बाद एनडीसी के जवाब मिलने का इंतजार विश्वविद्यालय कर रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कर रहा है। जवाब के बाद ही बीएड काउंसलिंग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन नोटिफिकेशन जारी करेगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी बीएड की प्रवेश परीक्षा के दौरान। देखिए, केंद्र सरकार तो कर चुकी थी लेकिन बीएड के प्रवेश परीक्षा के दौरान भी यह प्रमुख मुद्दा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा के बाद भी शासन की ओर से कोई आदेश न मिलने की स्थिति में, देखिए केंद्र सरकार की ओर से आ गया लेकिन जो अपना जो शासन है यहाँ का यूपी का, वहाँ की ओर से कोई आदेश न मिलने की स्थिति, रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई को पत्र भेजा है, ठीक है। अब एनसीटीई बताएगी कि 10% आरक्षण का नियम बीएड काउंसिलिंग में लागू होगा या नहीं होगा, ये बताएगी एनसीटीई। अगर उसने कह दिया होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने 28 मई को रैंक वार रिजल्ट जारी कर दिया था, आपको पता भी है, और 10% आरक्षण को लेकर काउंसिलिंग अटक गई है अब, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आगे मेन कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ल ने बताया कि एनसीटी के जवाब मिलने के बाद इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा समय लग सकता है, विलंब लग सकता है। आपसे आपको हम अपडेट सारी इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, कब लिंक आएगी काउंसलिंग की, कैसे काउंसलिंग होगी, मतलब हर सब्जेक्ट पर हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बस आपको अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।